इसको ओपन करने के बाद अभी जो फोटो आने वाला है इसका साइज देखो 54.3 MB साइज हो चुका है एक फोटो का। ये रॉ फॉर्मेट 50 मेगापिक्सल, मतलब कहां से कहां ले जा सकते हो इस फोटो को। वेलकम बैक टू टीटी लैब। हाथ में है मेरा सैमसंग गैलेक्सी S23 और इस फ़ोन का कैमरा सेटिंग्स रिव्यू देने वाला हूँ। मतलब ये जब मैंने कैमरा ऑन किया तब बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन का बारे में आज मैं बात करूँगा और इस साइड में भी बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। तो चलो बातें मैं बहुत कम करता हूँ, फटाफट वीडियो स्टार्ट करता हूँ, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन मिलेगा ये है पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है 1x, एक है 3x। ये जो 3x वाला ऑप्शन है ना बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और इसमें फोटो थोड़ा डिस्टेंस से पोर्ट्रेट लेता है, इसलिए बहुत ही इंटेंस पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। और 1x पे तो बहुत ज़्यादा वाइड एरिया कवर करता है। ऐसे ही मैं एक फ़ोटो खींच लेता हूँ, फ़ोटो खींचने का बाद कुछ ऐसा आया, ठीक है। तो चलो अभी मैं बैक करता हूँ। नेक्स्ट पोर्ट्रेट के अंदर लेफ्ट साइड में क्या आता है, पोर्ट्रेट के अंदर ये ऑटोमेटिक फ्लैश आता है और ऑलवेज ऑन फ्लैश आता है। और इस साइड से 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड का टाइमर भी आता है। और पोर्ट्रेट में आ जाएगा 4:3, देखो रेशियो देखो 4:3 16:9 पे भी आप पोर्ट्रेट ले सकते हो, और 1:1 या फिर फुल फ्रेम देखो पूरा स्क्रीन ओपन होके भी पोर्ट्रेट ले सकते हो। ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 4:3 में मैं रखता हूँ जनरली। और यहीं पे पोर्ट्रेट का अंदर ये स्मूथ स्किन स्मूथनेस भी आ जाएगा। जब किसी पर्सन का फ़ोटो खींच रहे हो, कोई लेडीज़ का फ़ोटो खींच रहे हो, तब ऐसे स्किन स्मूथनिंग ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा देखने को। और नेक्स्ट आ रहा है पोर्ट्रेट के अंदर ये वाला एक ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो इफेक्ट स्ट्रेंथ कितना डेप्थ ऑफ फील्ड आपको चाहिए। देखो बहुत ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड हो गया, यहीं पे देखो बहुत कम डेप्थ ऑफ फील्ड हो गया, ये मेजर करता है। और पीछे वाला जो ब्लार है ना, ये ब्लार कैसे मैनेज करेगा, डिफरेंट पैटर्न का पीछे वाला ब्लार होगा। अभी आ रहा हूँ मैं फ़ोटो पे, और फोटो का अंदर देखो पोर्ट्रेट के ऊपर है फोटो, फोटो का अंदर है 0.66, मतलब ये हो जाएगा अल्ट्रा वाइड। और 1x और 3x ऐसे सामने मिलता है अब, और इस राइट साइड में बहुत सारा मिल जाता है, ऐसे 10x मिलता है, 20x मिलता है और 30x भी मिलता है। और ये मैं टेबल पे हूँ इसलिए ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाऊँगा, आउटडोर के ऊपर जब वीडियो आएगा तब मैं फुल डिटेल्स दिखा पाऊँगा आप लोगों को। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये जो 10x है, 10x पे देखो ऐसे नॉइज़ आ रहा है ना, अगर आप ध्यान से इसको क्लिक करोगे आप फोटो को देखो नॉइज़ है, एक प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद ये देखो फोटो क्लियर हो गया, ऐसे ही इसका मेकानिज्म है। और ये जो फोटो क्लियर हो जाता है ना बहुत अच्छा वो काम करता है, ठीक है। चलो अभी मैं देखूंगा लेफ्ट साइड में क्या है। लेफ्ट साइड में देखो 4:3 है, 16:9 है, 1:1 है और फुल है। और 4:3 50 मेगापिक्सल का भी एक ऑप्शन आता है, तो चलो 4:3 एक नॉर्मल पे मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ। ये हो गया 4:3 नॉर्मल और इसके बाद 4:3 50 मेगापिक्सल, और ये दोनों फ़ोटो खींच लिया मैंने, ओके। ये 4:3 नॉर्मल है और नॉर्मल पे ऐसे कुछ दिख रहा है, जो कि डिटेलिंग तो भाई नॉर्मल पे भी बहुत बढ़िया है। ये देखो हार्ट मैक्सिमम यहीं पे आया है और 50 मेगापिक्सल का देख रहा हूँ मैं कितना क्लोज हो सकता है। ये देखो 50 मेगापिक्सल में आप हार्ट का अंदर जले जाओगे, इतना अच्छा इसका डिटेलिंग है 50 मेगापिक्सल का। और साइज डिफरेंस अगर बता तू तो साइज आया है नॉर्मल 4:3 पे 2.71 MB, और अगर मैं 50 मेगापिक्सल देख लूँ तो 50 मेगापिक्सल पे आया है 6.55 MB अप्रॉक्स। तो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। तो चलो मैं नॉर्मल 4:3 पे कर देता हूँ, और करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आएगा देखो, मोशन फोटो ऑन, मोशन फोटो ऑफ, और ऊपर आएगा ये फिल्टर्स, डिफरेंट फिल्टर है देखो, वार्म फिल्टर, कूल है, लाइट, फ्रॉस्टी, और ऊपर से आप यहीं से प्लस बोल के एक ऑप्शन है, प्लस करने का बाद आप डाउनलोड फिल्टर भी कर सकते हो, ठीक है, और फिल्टर क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट फिल्टर के ऊपर डिफरेंट डेडिकेटेड वीडियो मैं लाऊंगा, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ऐसी बैक टू बैक कॉन्टेंट देखने के लिए। सिर्फ कॉन्टेंट दिखाता हूँ मैं, एकदम बातें बहुत कम करता हूँ।
ओके और यहीं से ओरिजिनल, और यहीं पे देखो फेस ऑप्शन है, फेस ऑप्शन ऑन एंड ऑफ ऑटो कर देने का बाद ऑटोमेटिक मेरे ख्याल से फेस डिटेक्ट करेगा मेरे को लग रहा है। और ये देखो आई है, आई अगर किसी का छोटा है तो ये बड़ा भी कर सकता है। ओके ये इसका फीचर्स है, और ऐसे जॉ लाइन भी चेंज कर सकता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टोन एंड स्मूथनेस के ऊपर काम करता है। तो ठीक है चलो ये तो हो गया फेस, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ भाई। ओके चलो बैक कर लिया, बैक करने का बाद ये हो गया। देखो टाइमर ऑप्शन मिल रहा है 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड का, और फ्लैश मिल रहा है सेम ऑल ऑन एंड ऑटोमेटिक ऐसे मिल रहा है। और फोटो का जो सेटिंग्स है वो देखो सीन ऑप्टिमाइज ऑन है। ओके सीन खुद से ऑप्टिमाइज होगा, मतलब डिटेक्ट करेगा कैसा फोटो आप ले रहे हो, वैसे शॉर्ट सजेशंस। ओके गेट ऑन स्क्रीन गाइड्स टू हेल्प यू। ओके स्कैन क्यूआर कोड, अगर क्यूआर कोड स्कैन करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को ऑन करके रखो। और स्वाइप शटर बटन टू टेक बस्ट शॉट। ओके अगर ये बटन को नीचे की तरफ खींचूंगा तो बस्ट शॉट होगा मेरे को लग रहा है, चलो एक बार देख लेता हूँ मैं। ये देखो 18 फोटोज क्लिक हो गया, देखा भाई ये हो गया है बस्ट मोड। ओके चलो वाटरमार्क भी आप यहीं से रख सकते हो, ऑन करके सिलेक्ट करके देखो मॉडल नेम डेट या फिर स्टाइल डिफरेंट एंड मॉडल नेम का ऊपर क्या मॉडल नेम, या फिर यहीं पे आपका नाम लिख के फोटोग्राफी भी लिख सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया लगा मेरे को। एडवांस पिक्चर ऑप्शन, एडवांस पिक्चर हाई एफिशिएंसी पिक्चर ऑन ऑफ कर सकते हो, और प्रो मोड पिक्चर जेपेक रॉ एंड जेपेक फॉर्मेट ओनली रॉ फॉर्मेट डिफरेंट फॉर्मेट है। रॉ फॉर्मेट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा देर में बात कर रहा हूँ मैं रॉ फॉर्मेट के ऊपर। इस साइड तो कंप्लीट हो गया, चलो अभी वीडियो पे जा रहा हूँ। वीडियो पे देखो, अच्छा ये फिल्टर मैंने लगाया था एक शूट करने के लिए, तो चलो मैं ओरिजिनल फिल्टर पे आ गया। ओरिजिनल फिल्टर पे कुछ ऐसा दिखता है। ओके जहाँ पे ये हो गया है अल्ट्रा वाइड वीडियो, लो लाइट पे थोड़ा सा नॉइज है लेकिन 1x पे कोई नॉइज नहीं है। और वीडियो पे देखो 2x मिलेगा, 3x मिलेगा, 10x मिलेगा, 12x मिलेगा, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को ये चीज़ को। और ऊपर से लेफ्ट साइड पे वीडियो का ऑप्शन देखो क्या क्या मिलता है, फुल HD 60, फुल HD 30, USD मतलब 4K 30, 4K 60, 8K, मैं 8K सिलेक्ट किया। ये देखो ये वीडियो जो हो रहा है 8K पे वीडियो हो रहा है भाई, तो चलो मैं फुल HD 30 पे कर देता हूँ। और यहीं पे जो रेशियो है 16:9, 1:1 एंड फुल तीनों मिलेगा। और स्टेबल ऑप्शन सुपर स्टेडी ऑन है, ऑफ ये ऑप्शन भी बहुत कम का है, जब आप दौड़ रहे हो तो सुपर स्टेडी मोड ऑन करके भी कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ है ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, द जूम विल ऑटोमेटिकली चेंज टू कीप द पीपल फ्रेमिंग, जब आप वीडियो कर रहे हो ये अगर ऑन करके रहोगे तो अगर किसी के तरफ आप वीडियो कर रहे हो तो उसको कंटिन्यूअस फोकस में लेगा ये वाला ऑप्शन। तो चलो वीडियो का अंदर क्या सेटिंग्स में ऑप्शन मिलता है, ऑटो FPS ऑन FPS एक खुद से डिटेक्ट करेगा कम ज़्यादा ऐसे होगा, क्योंकि अगर आप लो लाइट पे जा रहे हो तब FPS थोड़ा कम करके ना और ये लाइट बढ़ा सकता है। ये देखो मैं ऑटो FPS ऑन कर चुका हूँ, ये देखो ऑटो FPS ऑन करने का बाद लाइट ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये है वीडियो स्टेबिलाइजेशन एंड एडवांस वीडियो स्टेबिलाइजेशन ऑन करके रखना जरूर, बहुत ज़्यादा स्टेबिलाइज होगा। एडवांस वीडियो हाई बिटरेट वीडियोस, ओके HDR 10 प्लस वीडियोस, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा वीडियोस एडवांस वीडियो का ऊपर। ग्रिड लाइन आप ऑन करके रख सकते हो, ऐसे ग्रिड लाइन आ जाएगा। ओके अच्छा ग्रिड लाइन मैं ऑफ कर देता हूँ। लोकेशन टैग जहाँ पे फोटो खींच रहे हैं वहीं का लोकेशन ये टैग कर लेगा, खुद से टैग कर लेगा। सेटिंग्स टू कीप ये सब ऑन करके रखना, मतलब जब अब लास्ट जो फोटो जो सेटिंग्स सेट करके आप क्लिक कर रहे हो वो सब सेव करके रखता है ये सेटिंग्स टू कीप। वाइब्रेशन फीडबैक ऑन है। ओके मैं चलो बैक करता हूँ। ओके ये हो गया वीडियो का पार्ट, अभी मैं जाने वाला हूँ मोर ऑप्शन। ये मोर ऑप्शन जो है ना बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। ओके फास्ट है एक्सपर्ट रॉ, ये पहले आपका फ़ोन में नहीं रहेगा, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके डाउनलोड करने के बाद एक्सपर्ट रॉ कुछ ऐसा दिखेगा, देखो मैं एक्सपर्ट रॉ पे ओपन करूँ, 16 बीट पे ये भाई फोटो खींचता है, बहुत ही शानदार एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको बहुत वर्सेटाइल ऑप्शन मिलेगा इस एक्सपर्ट रॉ से।
जहाँ पे ये देखो अल्ट्रा वाइड पे कितना भयंकर सा दिख रहा है। देखो चलो मैं एक मैनुअल कर देता हूँ, फोटो जो आएगा ना नेक्स्ट लेवल पे आएगा। मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अगर एक्सपर्ट रॉ के बारे में मैं बात करना शुरू किया तो एक घंटा लग जाएगा भाई, इतना सब कुछ है भाई इसके अंदर। अगर मैं एक फ़ोटो यहीं पे खींचता हूँ, देखो भाई एक फ़ोटो मैं ले रहा हूँ अभी आप लोगों का सामने ही, देखो ये थोड़ा टाइम लिया, ये फ़ोटो क्लिक हो गया और थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद ऐसे जो फ़ोटो आया ना, अभी ये इसका साइज है 26.1 MB इसका साइज है, क्योंकि ये 12 मेगापिक्सल पे है। अगर आप 50 मेगापिक्सल पे आप रॉ मोड खींचना चाहते हो रॉ मोड पे, तो तब इसका साइज क्या आएगा आपको मालूम है? देखो मैं इसको ओपन करने के बाद अभी जो फोटो आने वाला है इसका साइज देखो 54.3 MB साइज हो चुका है एक फोटो का। ये रॉ फॉर्मेट 50 मेगापिक्सल, मतलब कहां से कहां ले जा सकते हो इस फोटो को एडिट करने का बाद। इसका ऊपर डिटेल्स वीडियो आएगा, क्योंकि मैं लाइटरूम प्रीमियम यूज़ करता हूँ इसलिए, क्योंकि ये जैसे फ़ोटो खींचने का बाद उसको एडिट करने के लिए। ठीक है चलो मैं इसको 12 मेगापिक्सल कर देता हूँ। यहीं पे ISO शटर स्पीड EV एंड फोकस एंड WBA सब कुछ है, और इस साइड में ऐसे कुछ ऑप्शन है, मल्टीपल एक्सपोजर और सेंटर ओरिएंटेड मैट्रिक्स मीटरिंग के ऊपर ऑप्शन है, टाइमर है, टाइमर क्या क्या टाइमर दे रहा है, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड सेम चीज़ दे रहा है भाई। और ये हो गया सेटिंग्स, रॉ फॉर्मेट और स्पेशल फोटो, ऑटो HDR ऑन, बहुत सारे ऑप्शन है। इसके ऊपर फिर से मैं डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगा, देखते रहो TT Lab। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा देना। और ये रॉ फॉर्मेट मैं बैक करता हूँ, और यहीं पे है प्रो एंड प्रो वीडियो। आज मैं सिर्फ प्रो एंड प्रो वीडियो दिखाऊंगा, बाकी सारे ऑप्शन का बारे में मैं दिखाऊंगा बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ, इसलिए अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। चलो प्रो वीडियो, प्रो मोड, प्रो ये फोटो मोड है, प्रो फोटो मोड पे ये 3 ऑप्शन मिलेगा, अल्ट्रा वाइड एंड नॉर्मल एंड 3x एंड 3x के बाद और भी 12x तक ये जा सकता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो चलो यहीं पे ISO स्पीड और ऊपर से EV फोकस WB सब आता है इसमें, और लेफ्ट साइड में है देखो कॉन्ट्रास्ट। आप फोटो खींचने से पहले कॉन्ट्रास्ट को सेट कर सकते हो, हाईलाइट को सेट कर सकते हो, और ऊपर से शेडो को सेट कर सकते हो, एंड सेचुरेशन एंड टिंट। ओके ये मीटरिंग है, मीटरिंग एंड रेशियो है, मतलब मैनुअल पे अब हर एक ऑप्शन मिल जाएगा फोटो मोड पे। ठीक है मैं नेक्स्ट जो दिखाऊंगा ये है प्रो वीडियो, एंड प्रो वीडियो भाई देखो जो वॉइस है लेफ्ट राइट उसका जो ग्राफ है वो यहीं पे शो कर रहा है, और ISO देखो यहीं पे दिख रहा है। ओके ये वीडियो का ISO है, जब वीडियो मैनुअल पे करोगे तो सिनेमेटिक मोमेंट को बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाता है। ये स्पीड, EV फोकस, WB माइक का अंदर देखो फ्रंट रियर USB ब्लूटूथ, ये देखो जूम कितना स्मूथ से ये जूम हो रहा है, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। ओके और FHD 16:9, ये फ्लैश, ये सेटिंग्स। ओके तो भाई लोग ये था आज का कुछ वीडियो, मैं बहुत ही फटाफट दिखा दिया, और इसके ऊपर Part 2 भी आने वाला है। इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं बाद में नाइट फूड पैनोरामा एंड पैनोरामा के बाद ये सुपर स्लोमो पूरा सब वीडियो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि एक वीडियो में करना बहुत लंबा सा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, देखते रहो TT Lab।